हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से। इस वक्त जो है वो राजनीति ना करें। पहले उन्होंने कहा कि आते ही बयान दिया कि मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि भेदभाव की कोई बात नहीं है। चुनाव में जो नुकसान हुआ है वो कुदरत का नुकसान है और कुछ मैन मेड नुकसान है। और जिस तरीके से वहाँ लकड़ियों की खाड़ आई, बाढ़ आई लकड़ियों की, हम जयराम से पूछना चाहते हैं कहाँ से वो लकड़ियाँ आई, कटे हुए ठेले कहाँ से निकले। मैं चाहता हूँ हिमाचल सरकार से कि इसकी जांच की जाए, उस क्षेत्र में कितनी सड़कें ऐसी बनी जिसमें एफआरएन था, फॉरेस्ट की मंजूरी नहीं थी, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, पेड़ काटे काट करके उनके टुकड़े बना के नालों में फेंके गए, उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी गई, और उसी का नतीजा है कि जो चुनाव में नुकसान हुआ है, एक तो लाइन टूटी, दूसरा भारी बारिश के कारण वो सारे जो है चुनाव गांव में घुसे, लोगों के घर बर्बाद किए, दुकानें बर्बाद की। और इस वक्त मैं कह सकता हूँ किसी भी कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा कंपनसेशन दिया गया वो वहाँ चुनाव में ही सबसे ज़्यादा जो है लोगों को कंपनसेशन दिया गया, 60 लाख से ज़्यादा पैसा वहाँ लोगों में बांटा गया। जबकि अभी दूसरे चुनाव क्षेत्रों में रात कार्य चलिए, ये जयराम जी का ये आरोप लगाना कि भेदभाव किया जा रहा है, हिमाचल सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है किसी से भेदभाव नहीं करती है, जबकि श्री जयराम जी भूल जाते हैं आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के काल में 7 चीफ सेक्रेटरी नहीं बदले। जयराम तो चीफ सेक्रेटरी भी ताश के पत्तों की तरफ बदलते रहे, 3-4 आदमी सीनियर को इग्नोर करके जो है जूनियर आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाते रहे, जो सीनियर थे उनको अपना सलाहकार बनाते रहे और उनको मुफ्त की तनख्वाह देते रहे। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जयराम के खिलाफ जाती है, हम ही इस वक्त राजनीति ना करें। और आज तक के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री जो है जयराम जी रहे। हिमाचल का टोटल लोन जब से जयराम जब मुख्यमंत्री बने 46 लाख 50 हजार करोड़ था, और इन्होंने अपने 5 साल में उसको 75 हजार करोड़ से ज्यादा पहुंचाया, फिजूल खर्ची बढ़ाई, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। कहते प्रधानमंत्री जी को 8 बार में हिमाचल प्रदेश बुलाया, लेकिन पैकेज हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने कोई नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, हिमाचल में आए, अभी हम चाहते हैं प्रधानमंत्री समय निकाल करके आए, हेलीकॉप्टर से सर्वे करें, यहाँ से मनाली का ही सर्वे करें, कम से कम हमें राहत तो प्रदान करें। मुझे ये कहना है जयराम जी से, आप तो बड़े जिम्मेवार राजनीति के हैं। एक बयान उन्होंने और दे दिया पीछे, अफसरशाही हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वो बड़ी दुखी है और केंद्र में जाना चाहती है। जयराम जी आपको तो पता, आप चीफ मिनिस्टर हैं, अगर कोई भी केंद्र सरकार में जाना चाहता है पहले प्रदेश सरकार से ही अपना केस रिकमेंड कराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी 2-4 अफसरों के नाम बताओ जो जाना चाहते हैं, जो उनको बताया हो, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे जानी ये अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुश नहीं है, दुखी है, और कईयों ने केंद्र सरकार में जाने की इच्छा प्रकट की है। क्या जयराम जी के पास इच्छा प्रकट की है उन्होंने?
मुझे ये बताते हुए खुशी हुई है कि हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही ईमानदारी से काम करती है और बहुत मेहनती है, लोगों की समस्याओं को सुनती है, उनका समाधान करती है, सरकार के आदेशों का पालन करती है,